हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान पीटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके का पहला ऑनलाइन टेस्ट लेकर आया हूँ। इस ऑनलाइन टेस्ट मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन शेष हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान के कुल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन से आपके प्रतापगढ़, वी है बांसवाड़ा, सी अजमेर, डी है उदयपुर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर जो है ना बांसवाड़ा को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बांसवाड़ा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा जिला इस बगोल के लिए प्रसिद्ध है? गंगानगर, बी है बूंदी, सी है जालौर, डी है झालावाड़। कौन सा जिला इस बगोल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जालौर जो जिला है ना ये इस बगोल के लिए प्रसिद्ध है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सती माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? नागौर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर। अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो 50 में 45 क्वेश्चन के सही जवाब देकर बताइएगा आप लोग। समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का है। पिछले साल की तुलना में इस बार फॉर्म की जो संख्या है कुल 3,50,000। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल फॉर्म की संख्या थी 5,50,000, तो पिछले साल की तुलना में इस बार फॉर्म की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप लोगों के पास एक मौका है सरकारी सीट हासिल करने का, यानी पास का कॉलेज हासिल करने का। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो पास का कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। कंपटीशन ज़्यादा इस बार नहीं होगा, सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि पास का कॉलेज कैसे मिलेगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी होगी। तो सती माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सती माता का जो मंदिर है ना ये झुंझुनू में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? 1576, 1580, 1572 या 1597। महाराणा प्रताप का निधन जो है ना 1597 ईस्वी में हुआ था, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? ऋषभदेव जी का मेला, वी है शाहवा का मेला, सी है तेजा जी का मेला, डी है खिजड़ली का मेला। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खिजड़ली का मेला। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, छठा क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, रणथंभौर, सी है तारागढ़, डी है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है यह आपको बताना है। तारागढ़ को कहा जाता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस शहर को देवताओं की नगरी कहते हैं? पोकरण, जयपुर, देशनोक या पुष्कर। किस शहर को देवताओं की नगरी कहा जाता है? पुष्कर को देवताओं की नगरी कहा जाता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, कौन सा स्थान पत्थर मार होली हेतु प्रसिद्ध है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर। कौन सा स्थान पत्थर मार होली हेतु प्रसिद्ध है? बाड़मेर जो स्थान है ना, पत्थर मार होली हेतु प्रसिद्ध है। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है? जालौर दुर्ग, बयाना दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है? बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, दसवां क्वेश्चंस क्या है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? बाणगंगा, बी है माही, सी है लूनी, डी है बनास। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस ग्यारहवां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में जरीना का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, नागौर। राजस्थान में जरीना का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? देखिए राजस्थान में जरीना का जो मकबरा है ना, ये धौलपुर में स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, धौलपुर। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महाराजा तख्त सिंह आपका सही आंसर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव, भैरवनाथ, विष्णु, सूर्य। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किसे समर्पित है? ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ ये कहाँ पर स्थित है? गलता, मोजमाबाद, सलेमाबाद, शिहाड। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, सलेमाबाद। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सलेमाबाद। सो गाइस पंद्रहवां क्वेश्चन देखिएगा, पंद्रहवां क्वेश्चन क्या है, पंद्रहवां क्वेश्चन हमारा है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलिला गांव, प्रतापगढ़, सी है जयपुर, डी है शाहपुरा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलिला गांव। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा है, मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक, कान, गला या कमर। मांदलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन शेष बचे हैं। अप्रैल का महीना है जो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और मई लगने वाला है, बहुत ही कम समय है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अगर आपको सरकारी सीट चाहिए, अगर आपका सपना सरकारी सीट लेने का है, तो जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं उन क्लासों को जरूर वॉच कीजिए आप लोग। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी तक मैं आपको लगभग 50 क्लासें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, लगभग 50 क्लासें। तो 50 की 50 क्लासें अगर आप लोगों ने देख ली ना, तो एक भी क्वेश्चन पेपर से आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए मांदलिया जो आभूषण है ना, ये गले में पहना जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है, प्लेलिस्ट चेक की सारे आप सारी जो क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, पिछली जो भी मैंने आप लोगों को क्लासें कराई हैं उन सारी क्लास को देखिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है ना, बीकानेर शैली की विशेषता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अठारहवां क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10%, 5.6%, 11.11%, 10.41%। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या लटियाला माता? अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे कहा जाता है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी जो है ना, जिलानी माता को कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 20वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या जोधपुर? राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है ये आपको बताना है, भीलवाड़ा। यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन भीलवाड़ा का सही आंसर। 21वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 21वां क्वेश्चन हमारा, राजा भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल? राजा भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था ये आपको बताना है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलण, सिड़गारी, केसर कालबी, लीलागढ़? बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था ये आपको बताना है। देखिए बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वाशा की सवारी और मेला ये कहाँ लगता है? पीछांगन, भिनाय, मसूदा, ब्यावर? बादशाह की सवारी और मेला ये कहाँ पर लगता है? ये जो मेला है ना ये ब्यावर में लगता है। तो ब्यावर यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखेगा, 24वां क्वेश्चन हमारा है, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर, कोटा, सियानागौर, डीएफ वाशवाड़ा? मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? देखिए मांड जो है ना ये जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 25वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? पुष्कर, जसवंतथड़ा, खेतड़ी महल, माउंट आबू? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल जो है ना ये जसवंतथड़ा को कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुगा 26वां क्वेश्चन देखिएगा, 26वां क्वेश्चन क्या है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह? किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है ये आपको बताना है। ये पुस्तक जो है ना मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 27वां क्वेश्चन देखिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में GST कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 8 नवंबर 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014? भारत में GST कब लागू हुआ था? तो भारत में GST जो है ना 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित थे? राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या तैराकी? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, लोकप्रिय कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा? लोकप्रिय कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कबूतर, कौवा, मोर या उल्लू? कबूतर जो है ना ये शांति का प्रतीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या गुजरात? लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं
वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, वी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी है भारतीय शिक्षा आयोग, डी है भारतीय विधि आयोग। MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है जिसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, कृषि लागत और मूल आयोग CACP। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 300 ईसा पूर्व, बी है 350 ईसा पूर्व, सी है 326 ईसा पूर्व, डी है 360 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन खालिस्तान में आयोजित किया गया था, नागपुर, मद्रास, लाहौर, कराची। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था लाहौर में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्राचीन राज्य वृक्ष की राजधानी का नाम बताइए, शुक्तमती, मथुरा, कौशाम्बी या वाराणसी? प्राचीन राज्य वृक्ष की राजधानी का नाम बताइए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं, कौशाम्बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? मुत्रेयर, राजराज चोल प्रथम, विजयालय, राजेंद्र प्रथम। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था ये आपको बताना है, राजराज चोल प्रथम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? अरुणा आशिफ अली, सैयद अहमद खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्ला खान। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, 39वां क्वेश्चन देखिएगा, 39वां क्वेश्चन हमारा है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? नज़र और पेशकश, बी है तजवीज और तस्वीर, सी है जात और सवार, डी है नामुस और दीन। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जात और सवार। 40वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 40वां क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन हमारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? इनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, मिर्जा अल्तूनिया, महमगंगा, रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसराम, देहरादून, डिब्रूगढ़ या कोलकाता। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसराम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 45वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूं और बाजरा, बी है चावल और गेहूं, सी है बाजरा और सोरगम, डी है चना और बाजरा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको बताना है। चावल और गेहूं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट, मांडला, भोपाल या इंदौर? पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये मांडला में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के किस राज्य में वर्धन पर्वत स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? भारत के किस राज्य में वर्धन पर्वत स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 48वां क्वेश्चन देखेगा, 48वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या कोलकाता? तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जहांगीर आपका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रदाय जो नेते की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक, चरवाक, बौद्ध या जैन? लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान PTET 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर 50 में 45 के क्वेश्चंस के आप लोगों ने सही जवाब बताए तो आप लोग समझ लीजिएगा राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।